भारी व्यवस्थाओं के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। ग्राम पंचायत कर्मी लगे रहे अवैध वसूली करने में, उधर अव्यवस्थाओं के मारे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। हंडे नवाबा नर्मदा घाटों पर माघ मास की अमावस्या के पावन अवसर पर गुरुवार देर रात तक नर्मदा तट पर पैदल आने वाले श्रद्धालुओं का जमघट सड़कों पर दिखाई पड़ा। आज सुबह 6 बजे से नर्मदा स्नान का दौर शुरू हो गया। ग्राम पंचायत हंडिया द्वारा महिला श्रद्धालुओं के कपड़े बदलने के लिए टेंट आदि की व्यवस्था नहीं किए जाने के साथ ही घाट पर रखे अस्मिता घर कपड़े बदलने वाले सेट भी नजर नहीं आए। ऐसे में महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि जब यहां पर श्रद्धालुओं द्वारा अस्मिता घर दान स्वरूप दिए गए थे, ग्राम पंचायत इन सेटों की सुरक्षा करने का काम भी नहीं कर पाती, नहीं कोई वस्त्र बदलने के लिए व्यवस्था की गई। आवारा मवेशी से श्रद्धालु परेशान। रिद्धनाथ घाट सहित अन्य नर्मदा घाटों पर बड़ी संख्या में घूम रहे आवारा मवेशियों श्रद्धालुओं के लिए भारी परेशानी का सबब बनते दिखाई पड़ रहे। इन्हें रोकने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा आज तक कोई भी ठोस पहल नहीं की गई। बेतरतीब रही पार्किंग व्यवस्था, रिद्धनाथ घाट पर दो पहिया चार पहिया वाहन चालकों द्वारा अपने वाहन घाट पर ले जाने से श्रद्धालुओं को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर महज 2 होमगार्ड सैनिक नजर आए, जो पास की दुकान में ही पूरे समय बैठे हुए दिखाई पड़े। इतनी परेशानी नर्मदा स्नान करने आए श्रद्धालुओं के लिए। वो होम्योपैथी है, 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 वो होम्योपैथी है। अमावस्या एवं पूर्णिमा पर भिक्षावृत्ति करने वाले लोग बड़ी परेशानी का सबब बनकर सामने आते हैं। ऐसे में इस अमावस्या पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने में सामने आया, जब सैकड़ों की संख्या में भिक्षावृत्ति करने आए लोगों ने घाट पर चारों ओर मानो अपना कब्जा जमा रखा हो। इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। ऐसे में कई दुकानदारों मनमाने ढंग से जगह जगह दुकान लगा रखी थी। इससे महिला श्रद्धालुओं को स्नान करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग्राम पंचायत करती रही अवैध वसूली अमावस्या एवं पूर्णिमा पर ग्राम पंचायत व्यवस्थाएं करने की ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं रिद्धनाथ मंदिर पर ग्राम पंचायत द्वारा विगत 6 महीने से पार्किंग की नीलामी नहीं करते हुए स्वयं ही वसूली करती नजर आ रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा आक्रोश दिखाई पड़ा। पंचायत द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों से 4 पहिया वाहन चालकों से 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक वसूलने की शिकायत सामने आई। पैसा वसूल गाड़ी वालों से, दुकान वालों से, और नीतो घाट पे भाइयों को कपड़ा बदलने की व्यवस्था है, नहीं कोई व्यवस्था है। परेशान होते हैं भाई उन भैया, उन कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था ही नहीं है उनके पास। कितने कितने रुपए लेते हैं दुकानदारों से? हर दुकानदार से 10 रुपए लेते हैं, वाहन वाले उनसे मनमाना करते हैं। फिलहाल इतना ही, आगे की खबर जारी रहेगी।